हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल HSC व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्पार्क अरेस्टर होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है तथा इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पार्क अरेस्टर होता क्या है। स्पार्क अरेस्टर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि ज्वलनशील फ्लेमेबल स्पार्क को इंजन से बाहर आने से रोकता है, जो कि एक्सप्लोसिव या फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में फायर तथा एक्सप्लोजन का बचाव करने में काफ़ी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो हमें इसके डेफिनेशन से ही पता चलता है कि इसका इस्तेमाल इंजन से निकलने वाले स्पार्क को रोकने में किया जाता है, ताकि फ्लेमेबल तथा एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर में भी फायर तथा एक्सप्लोजन को रोका जा सके। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। स्पार्क अरेस्टर का इस्तेमाल मेनली व्हीकल्स के एग्जॉस्ट में किया जाता है, जो कि इंडिया में BS4 तथा BS6 के इंजन्स वाले व्हीकल्स में इसकी अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है तथा व्हीकल मैन्युफैक्चरर के तरफ से इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव नागपुर से मान्यता प्राप्त होता है। अगर हम किसी पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स तथा गैस प्लांट में अपना व्हीकल लेकर जाते हैं तो इसमें स्पार्क अरेस्टर लगाना अनिवार्य होता है, जिसे हम आम भाषा में ढोलकी भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल गैस तथा पेट्रोकेमिकल ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स में भी किया जाता है। इसे चेक करने के समय हमें ध्यान देना चाहिए कि स्पार्क अरेस्टर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए तथा ये भी चेक करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर का सीरियल नंबर तथा अप्रूवल नंबर का लेवल स्पार्क अरेस्टर पर लगा होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पार्क अरेस्टर समझ में आया होगा। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।